नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल हमारा बिहार में। आज 7 मई 2019 है और 7 मई 2019 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप प्रतिदिन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और सारे वीडियो का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बिहार करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्टेशन पर कचरे से बिजली बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है? तो दोस्तों, बिहार के पटना जंक्शन से कचरे से बिजली बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। पटना जंक्शन पे जितने भी कचरे उत्पन्न होते हैं उसको एकत्रित करके उसी से बिजली बनाया जाएगा। और इसी के साथ ही वहाँ पे एक बायोगैस प्लांट लगाने का भी निर्णय किया गया है, ठीक है। और उस प्लांट से प्रतिदिन 500 किलो गैस का उत्पादन किया जाएगा। अब नाम आया है पटना जिला का, तो चलिए बिहार के मैप में देखते हैं पटना कहाँ पर है। देखिए, ये रहा पटना जिला। और पटना जिला दो नदी से घिरा हुआ है, एक तरफ से सोन नदी है और एक तरफ से गंगा नदी है। सोन नदी बिहार में रोहतास जिला के पास से प्रवेश करती है और ये गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला के पास से प्रवेश करती है। तो और गंगा नदी जो है बिहार को बीचों बीच दो भागों में बांटती है, ऊपरी भाग को उत्तर बिहार और नीचे वाले भाग को दक्षिण बिहार कहा जाता है। अब नाम है पटना जिला का, तो चलिए पटना जिला के बारे में कुछ जानते हैं कि पटना जिला का जो क्षेत्रफल है 3202 वर्ग किलोमीटर है। पटना जिला का क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का जनसंख्या हो गया 58,38,465। यहाँ का जनसंख्या घनत्व हो गया 1,823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यहाँ का साक्षरता दर हो गया 70.68%। यहाँ का लिंगानुपात हो गया 897 महिला प्रति 1,000 पुरुष। और पटना का जो प्रमुख नदी है सोन, गंगा और पुनपुन है। 1912 में बंगाल विभाजन के बाद पटना उड़ीसा तथा बिहार का राजधानी बनाया गया और उस समय उड़ीसा और बिहार एक संयुक्त प्रांत था। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना ही है, ठीक है। और पटना में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो कि 26 दिसंबर 1666 में हुआ था। पटना के गोलघर का निर्माण जॉन गॉस्टिन ने 1786 में करवाया था, जिसे अनाज के भंडारण के लिए बनाया गया था। पटना में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, जो कि 1912 का अधिवेशन था और वो हुआ था बाकीपुर में, और बाकीपुर पटना में ही है। पटना का खुदा वक्स पुस्तकालय मध्य एशिया और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित पांडुलिपियों और चित्रकला के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। 1969 में इसे संसद के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर की संस्था घोषित की गई थी और इसका स्थापना हुआ था 1891 ईस्वी में। पटना में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि है, जो कि पटना में गंगा नदी के किनारे में है। पटना संग्रहालय का भवन जो है वह मुगल निर्माण शैली का एक सुंदर नमूना है। और पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1916 में और पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था 1917 में। और पटना का शहीद स्मारक उन 7 छात्रों की याद दिलाती है जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय सचिवालय पर तिरंगा फहराने के क्रम में शहीद हो गए थे, ठीक है। तो पटना से इतना याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मैथिली कलाकार को सहरसा जिला का इलेक्शन आइकन बनाया गया है? तो वो मैथिली कलाकार है रंजन झा। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। और इन्हीं को सहरसा जिला में इलेक्शन आइकन बनाया गया है। अब नाम आया सहरसा जिला का, तो चलिए बिहार के मैप में देखते हैं सहरसा कहाँ पे है। ये आ गया बिहार का मैप और ये रहा सहरसा। सहरसा जिला का सीमा किसके जिला से सटा हुआ है? तो देख रहे हैं मधुबनी है, दरभंगा है और यहाँ पे खगड़िया है, मधेपुरा है और सुपौल है। अब नाम आया है सहरसा जिला का, तो चलिए सहरसा जिला के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो सहरसा जिला का जो स्थापना हुआ था 1954 में हुआ था, ठीक है। यहाँ का जनसंख्या हो गया 19,661 व्यक्ति और जनसंख्या घनत्व हो गया 1,127 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ का जो क्षेत्रफल है 1,896 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ का साक्षरता दर हो गया 53.20%। यहाँ का लिंगानुपात हो गया 906 महिला प्रति 1,000 पुरुष। और यहाँ का जो प्रमुख नदी कोसी है और यहाँ का प्रमुख फसल धान है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में बिहार में किस कंपनी के द्वारा औद्योगिक उपभोक्ता के लिए 425 केजी का एलपीजी सिलेंडर लॉन्च करेगी, जिसका नाम इंडियन जंबो रखा गया है। ठीक है, तो ये कौन किस कंपनी ने लॉन्च करने का फैसला किया है? तो दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने फैसला किया है इसे लॉन्च करने का पटना में, ठीक है, सॉरी बिहार में। और इसका जो वजन है रहेगा, फिर से देख लीजिए, 425 केजी का एक सिलेंडर रहेगा और इसे सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सभी निजी तथा सरकारी स्कूलों के किस वर्ग के छात्रों को पंचायती राज की प्रायोगिक जानकारी दी जाएगी, यानी पंचायती राज के बारे में प्रैक्टिकल जानकारी दी जाएगी? तो दोस्तों, 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को, निजी स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों तरह के स्कूल के सभी छात्रों को, जो कि 12वीं के छात्र होंगे, उन्हीं को पंचायती राज के बारे में प्रैक्टिकल जानकारी दी जाएगी। तो इसका सही उत्तर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाटलिपुत्र सम्मान से बिहार के कितने लोगों को सम्मानित किया गया? दोस्तों, पाटलिपुत्र सम्मान से बिहार के 16 लोगों को सम्मानित किया गया है, और यह जो सम्मान है बिहार कलाश्री पुरस्कार परिषद के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार अंडर 7 शतरंज प्रतियोगिता में किसने जीत हासिल की है? तो दोस्तों, बिहार अंडर 7 शतरंज प्रतियोगिता में प्रत्यूष और पलछिन जैन दोनों ने जीत हासिल की है। पुरुष वर्ग में प्रत्यूष ने जीत हासिल की है और महिला वर्ग में पलछिन जैन ने जीत हासिल की है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। और दोस्तों, इस वीडियो का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए हमारा बिहार HV, वहाँ पे चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप सारे दिन का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और सारे वीडियो का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।